इट सीम्स दैट आई हैव ऑलवेज बीन अहेड ऑफ माई टाइम। ये शब्द थे दुनिया के सबसे मशहूर अमेरिकन साइबेरियन आविष्कारक निकोलाई टेस्ला के, जिनके नेतृत्व में दुनिया शायद आज से कई गुना आधुनिक और आलिशान बन सकती थी। पर क्योंकि सभी लोगों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से आज हमारी दुनिया तकरीबन 50 साल पीछे हो गई। निकोलाई टेस्ला वायरलेस टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड्स में मास्टर थे। और इन सभी बातों के अलावा रेडियो, टेलीविजन, मोटर्स, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितनी एडवांस्ड नॉलेज निकोलाई टेस्ला को थी, उतनी शायद आज भी अच्छे खासे वैज्ञानिकों को नहीं होगी। जब बात आती है निकोलाई टेस्ला के कुछ बड़े बड़े इन्वेंशंस की, तो हमारे जहन में सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए अल्टरनेटिव करंट का ही ख्याल आता है। पर इतिहास में दबे सबूतों के अनुसार निकोलाई टेस्ला के 42 ऐसे इन्वेंशंस थे जिनका जिक्र उन्होंने कई बार दुनिया के सामने किया, पर शायद किसी ने भी उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, जिनकी वजह से वो सभी अद्वितीय आविष्कार गुमनाम रह गए। आज के इस वीडियो में हम लोग उस महान वैज्ञानिक के उन्हीं कुछ चंद आविष्कारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक, और चलिए जानते हैं निकोलाई टेस्ला के द्वारा किए गए कुछ महान आविष्कारों के बारे में। नंबर 1, थॉट कैमरा। दोस्तों, हम लोग आज भी लोगों के मन की बात जानने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, पर फिर भी हम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि सामने वाला आखिर सोच क्या रहा है। बड़े बड़े चोर और माफिया अपने इंटरोगेशन के समय भयानक टॉर्चर को भी हंसकर झेल जाते हैं, पर कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि उन्होंने कौन से राज अपने अंदर दफनाए हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो माफिया उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी बता देते हैं और वो कहानी इतनी सच्ची सुनाई देती है कि कोई भी उस पर आसानी से विश्वास कर ले, पर वास्तविकता में तो उनके जहन में कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर कोई ऐसा कैमरा मौजूद होता जिससे सामने वाले की तस्वीर लेकर ऐसा पता लगाया जा सकता था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर यह बात सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि आज से एक सदी पहले गुमनाम पड़े वैज्ञानिक निकोलाई टेस्ला ने ऐसा आविष्कार कर लिया था और उन्होंने इसका ऐलान पूरी दुनिया के सामने किया था। यह बात है आज से लगभग एक सदी पहले की, जब टेस्ला किसी न्यूज रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उनकी जिंदगी से संबंधित काफी सारे सवाल भी पूछे गए थे, पर इस इंटरव्यू में एक ऐसा संदर्भ भी जोड़ा गया था जिसके चर्चे आज भी मशहूर है। इस इंटरव्यू के दौरान निकोलाई टेस्ला ने बीच में 1893 के दौरान किए गए अपने एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा छेड़ दी, जिसमें उन्होंने बड़ा ही हैरतअंगेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साल 1893 के आसपास जब वो ह्यूमन आई को लेकर काफी सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, तो उन्होंने एक असामान्य बात गौर की। उन्होंने देखा कि जब कोई इंसान अपने मन में किसी भी चीज की कल्पना कर रहा होता है या फिर कुछ भी सोच रहा होता है, तो उसके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से उस इमेजिनेशन की थोड़ी सी इमेज उस इंसान के रेटिना में आ जाती है। पहले तो उन्हें भी इस बात का पुख्ता विश्वास नहीं हो रहा था, पर उन्होंने इस तथ्य की कई चरणों में पुष्टि की और सभी चरणों में उनका शक सही निकला। उनकी शोध में उन्होंने अंत में यह पाया कि जब भी कोई अपने ख्यालों में किसी तरह की तस्वीर के बारे में सोच रहा होता है, तो वह तस्वीर उसकी आंखों के सामने उसके रेटिना में बहुत ही छोटे से एरिया में बन जाती है, जिसे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से बारीकी से गौर किया जाए तो हम सामने वाले की कल्पना को कागज में उतार सकते हैं। ठीक कुछ इसी प्रकार की धारणा लेकर उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए पर सब में फेल हो गए, लेकिन कई सारे असफल प्रयासों के बाद एक दिन फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जब उन्होंने एक ऐसे सुइटेबल एपरेटस को बना लिया था जिसकी मदद से रेटिना में फॉर्म हो रही उस छोटी सी इमेज को कैप्चर करके उसकी ऑब्जर्वेबल तस्वीर बनाई जा सके। और कई सालों की मेहनत के बाद अंततः उन्होंने एक ऐसा थॉट कैमरा बना लिया था जिसकी मदद से कोई अपने दिमाग में क्या तस्वीर सोच रहा है उसको तुरंत ही कागज में उतारा जा सकता था। दरअसल उनका ऐसा मानना था कि सभी वैज्ञानिक एवं आविष्कारक अपनी मशीन की डिजाइन को अलग अलग रूप में इमेजिन किया करते हैं, और शुरुआती दौर में तो उन्हें अपनी मशीन की डिजाइन के लिए परफेक्ट आइडियाज आ जाते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी रुचि उस प्रोजेक्ट में कम हो जाती है और उनका डिजाइन भी फीका पड़ने लगता है। पर इस कैमरे की मदद से उन सभी आविष्कारकों की सहायता की जा सकती थी और इससे मानव जाति का काफी हद तक का विकास हो सकता था। लेकिन अफसोस,
जनता के सामने अपनी बात रखने के बावजूद इस आविष्कार को आवश्यक ख्याति ना मिल पाई, मतलब ये लोगों के बीच में कभी भी पॉपुलर नहीं हुआ और इसको बनाने की संपूर्ण तकनीक को टेस्ला को अपने ही तक रखना पड़ा और यह आविष्कार भी विलुप्त हो गया। नंबर टू, द डेथ बीम। अपने 78वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर टेस्ला ने दुनिया को अपने सबसे बेहतरीन आविष्कार से परिचित करवाया, जिसका नाम वैसे तो उन्होंने पीस बीम रखा था, पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उस समय ज्यादातर न्यूज इंटरव्यू में लिखकर ही प्रकाशित की जाती थी, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन में एरर के कारण उनके इस महान आविष्कार को डेथ बीम का नाम दे दिया गया। 1930 के दशक में चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालातों से टेस्ला बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहा करते थे और वो चाहते थे कि कोई ऐसा हथियार आए जो दुनिया भर की सभी जंगों को खत्म करने की काबिलियत रखता हो, और अपने इसी मंसूबे को सच्चाई में बदलने के लिए उन्होंने इस आविष्कार को अंजाम दिया। उनकी ये डेथ बीम मरकरी पार्टिकल्स को एज ए वेपन यूज़ किया करती थी। जब उन्होंने अपने इस आविष्कार के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी थी और उन्होंने अपने सीधेपन के चलते इसका फॉर्मूला भी दुनिया के सामने रख दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका यह हथियार किसी वैक्यूम चेंबर में भी साउंड की स्पीड से 48 गुना ज्यादा की गति से फायर करने की काबिलियत रखता था, और जब इस बीम को वातावरण में किसी माध्यम का साथ मिल जाए तो यह कितना विध्वंसक हो सकता था इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी पूछे जाने पर टेस्ला ने ये कहा कि अगर आप इसको 250 मील की दूरी से भी फायर करते हो तो ये पूरे 10,000 एयरक्राफ्ट्स की सेना को तहस नहस कर देता। आज से दसियों साल पहले ऐसा कोई हथियार बनाया गया, इस बात की तो कल्पना करना भी मुश्किल है, और आज भी किसी ऐसे हथियार को बना पाना नामुमकिन सा कार्य लगता है। अब आपको क्या लगता है, इस आविष्कार को लेकर क्या टेस्ला ने कभी इसे किसी सरकार को बेचने की कोशिश नहीं की होगी? वेल, उन्होंने तो अपने इस आविष्कार को बेचने के लिए लगभग हर एक देश की सरकार से संपर्क किया, जिसमें अमेरिकी सरकार भी शामिल थी, पर सिर्फ सोवियत यूनियन ने ही इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई थी और इसका ट्रायल लेने के बाद उन्होंने भी इसको खरीदने से मना कर दिया था। अगर शायद यह ताकत हमारे हाथों में होती तो तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को हम लोग एक सेकंड में ही खत्म कर देते, लेकिन क्योंकि निकोला टेस्ला को हम लोगों ने फिर से नजरअंदाज किया, जिसका हर्जाना हमें आज दोबारा भुगतना पड़ रहा है। पर क्या कर सकते हैं, असल में हमारी पूरी मानव जाति की दिक्कत ही यही है कि वह किसी नए आविष्कार को पनपने ही नहीं देती और पहले ही उसे बेकार और खतरनाक बताकर उसका महत्व ही खत्म कर देती है। क्या आपको पता है कि जब कंप्यूटर नया नया मार्केट में आया था तो लोगों ने तो धरना प्रदर्शन तक भी किया था कि कंप्यूटर के आने से देश का रोजगार छिन जाएगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर को कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। पर आज उसी कंप्यूटर की मदद से हम लोग इतने मजे उठा पा रहे हैं। बड़े बड़े लोग चाहते ही नहीं कि हम लोग आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करके आधुनिक बने। ऐसे ही जब शुरुआत में स्टॉक मार्केट आई थी तो हर कोई तुक्का और जुआ कहकर इसकी बहुत बदनामी किया करता था, लेकिन फिर जब एक बार हर्षद मेहता ने यहाँ पर पैर पसारे तो लोगों ने करोड़ चापे। हाँ, मुझे पता है कि वो लीगल नहीं था, लेकिन लोगों को स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल दिख गया था और फिर इंडिया में इन्वेस्टर्स का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी इन्वेस्टर्स बनने लगे और पैसों से पैसा कमाने का एक नया सोर्स मिल गया। अब जैसा कि शुरू में ही मैंने आपसे बोला कि हम इंसान नए आविष्कारों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता, कुछ इसी तरह का हाल लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के साथ भी किया था और बताया था कि ये सभी चीजें बेकार है और आगे आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा स्कैम को अंजाम देंगी। पर क्रिप्टो करेंसी तो कहीं से भी रेगुलेट नहीं की जा सकती, तो इससे किसी भी तरह के स्कैम को अंजाम देना असंभव है। बीच में जब क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में द ग्रेट डिप आई थी तब भी लोगों ने यह कहा था कि अब क्रिप्टो की मार्केट बेकार हो गई है, पर बिटकॉइन एक बार फिर से उठा और उसने $50,000 का आंकड़ा छुआ। अब जिन लोगों ने अपने दिमाग से सही फैसले लेकर ग्रेट डिप के दौरान क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट किए थे उन्होंने तो अच्छे खासे पैसे बना लिए, पर क्या आपने इस मौके में चौका मारा था? क्या कह रहे हो, मिस कर दिया? अगर आपने फिर से इस बात को नजरअंदाज किया और उसके विरोधियों के साथ चलते गए तो आप एक और अपॉर्चुनिटी को खो देंगे और फिर पछता कर बैठ जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि आज जब चीजें इतनी आसान हो गई है तो फिर अपने पैसों को काम पर क्यों नहीं लगाते और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बड़े बड़े रिटर्न क्यों नहीं कमाते। अब मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि यार ये क्रिप्टो तो बहुत हार्ड है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, इतना ज्यादा महंगा है, इसके बारे में सीखे कैसे। वेल वेल वेल, रुक जाओ,
क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉइनस्विच कुबेर। ये है इंडिया की सिंपलेस्ट डिजिटल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहाँ बिटकॉइन के साथ साथ सभी मेजर क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से कॉइनस्विच कुबेर आपको डाउनलोड करना है और इसमें अपने डिटेल्स डालकर अपना KYC कर लेना है, जो कि बहुत ईजी एंड इंस्टेंट है। एंड बस इतना करने के बाद यू आर ऑल सेट फॉर योर क्रिप्टो जर्नी। अब आप 100 रुपए के डिपॉजिट करके अपने मनपसंद के किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप का यूजर इंटरफेस न्यू यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इजी और सिंपल बनाया गया है। इस ऐप में इंस्टेंट डिपॉजिट एंड इंस्टेंट विड्रॉल है, यानी कि आपके पैसों के फंसने के कोई भी डर नहीं है। अब मुझे ये भी पता है कि आप एक बिगिनर हो, तो आपको क्रिप्टो करेंसी की उतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन इसका भी हल है अपने पास। आप कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको ढेर सारे ज्ञान देते हैं। एंड आप 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू करके आगे और भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। और केवल यही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से अगर इसे आपको डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए वर्थ के बिटकॉइंस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो सोचना क्या अभी के अभी। नंबर 3, इलेक्ट्रिक पावर्ड सुपरसोनिक एयरशिप। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में आज भी ऐसी ज्यादातर आबादी है जिसने फ्लाइट में बैठना तो छोड़िए एयरपोर्ट को भी सामने से नहीं देखा होगा। और यह सब इसीलिए क्योंकि आजकल की फ्लाइट्स इतनी महंगी होती है कि उनको लैंड करवाने के लिए एयरपोर्ट का बनना भी एक जटिल काम हो चुका है। एक फ्लाइट में काफी तरह के खर्चे होते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य खर्चा होता है एरोप्लेन्स में डलने वाला ईंधन। एरोप्लेन्स में हमारी गाड़ियों वाला नॉर्मल पेट्रोल नहीं यूज किया जाता, बल्कि उसमें एक खास तरह का फ्यूल यूज किया जाता है, जिसकी कीमत नॉर्मल पेट्रोल से काफी ज्यादा होती है। और यही एक कारण है कि हमारी फ्लाइट्स इतनी महंगी और स्लो होती है। लेकिन सोचो कितना अच्छा होता अगर ईंधन से चल रहे ये हवाई जहाज किसी फ्यूल की बजाय बिजली से चल रहे होते। दरअसल निकोला टेस्ला ने एक ऐसा मीडियम तैयार कर लिया था जिसे एरोप्लेन्स में लगे हुए किसी डिवाइस से जमीन पर मौजूद पावर प्लांट्स कनेक्ट हो जाते और उनसे निकल रही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मदद से हवा में चल रहे उस हवाई जहाज को बिजली मिलती रहती। लेकिन अपने शुरुआती दौर में होने के बावजूद यह प्लेन इतने काबिल थे कि यह 42,000 फीट की ऊंचाई में आज के आधुनिक प्लेन से भी 2 गुना तेजी से उड़ने के काबिल थे। टेस्ला बताते थे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरह के फ्यूल से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से हम लोग हवाई जहाजों की एक सीमित क्षमता को असीमित दायरे तक बढ़ा सकते हैं। और यह आविष्कार हमारे समय को भी कई गुना बचाता, क्योंकि जहां आज के समय में इतना विकास करने के बावजूद न्यूयॉर्क से लंदन तक की फ्लाइट 8 घंटे का समय लेती है, वहीं उस समय निकोला टेस्ला का यह आविष्कार उसी दूरी को मात्र 3 घंटों में ही पूरा कर लेता। लेकिन अफसोस कि उस समय टेस्ला और दुनिया दोनों का समय खराब चल रहा था, क्योंकि जहां एक तरफ विश्व युद्ध के कारण दुनिया भर में भूखमरी छाई हुई थी और वहीं दूसरी तरफ उन्हें संसाधन और पैसे दोनों ही नहीं मिल पाए अपने सपने को पूरा करने के लिए। और इसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद भी उनका यह सुनहरा सपना सपना बनकर ही रह गया। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निकोला टेस्ला पूरे मानव इतिहास के सबसे काबिल और बुद्धिमान आविष्कारक थे। लेकिन क्योंकि वह इतने विख्यात नहीं थे और ना ही वह किसी रईस परिवार से बिलोंग करते थे, जिसके कारण दुनिया में हमेशा उनका नाजायज फायदा उठाया गया और उनके ज्ञान का सही इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सका। आपने मेरे पिछले वीडियो में यह जाना था कि किस तरह निकोला टेस्ला ने पूरी मानव जाति के विकास के लिए अपने ढेर सारे पैसों को बलि दान दे दिया ताकि इंसान और ज्यादा आधुनिक बने। लेकिन बाद में चलकर उनके पास पैसों की इतनी कमी हो गई कि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के पास भीख मांगने पड़े थे और किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, जिसका रिजल्ट हम सबके सामने है कि हम लोग आज अपने एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट रेट से कितना पीछे है। खैर, आपको इन तीनों आविष्कारों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ऐसे और भी आविष्कारों के बारे में जानना है या नहीं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम इसका सेकंड एपिसोड भी जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना मत भूलना। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉइनस्विच कुबेर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करो और कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर लो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।